अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑड मैन आउट या फिर क्लासिफिकेशन। तो इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्लासिफाइड बेसिस पे आते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया गया है अल्फाबेट नंबर एंड वर्ड क्लासिफिकेशन में। तो बेसिकली इसमें आपको एक पैटर्न दिया रहता है क्वेश्चंस का, उसमें आपको पैटर्न को क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो किस पैटर्न से बिलोंग करता है, वो अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता है, नंबर से बिलोंग करता है या फिर वर्ड से बिलोंग करता है। और उस पे पर्टिकुलर पैटर्न में से आपको जो ऑड दिख रहा है उसको आपको मार्क करना पड़ता है। तो अब हम इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। सो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, आपको जंबल लेटर्स दिए रहेंगे और वो जो थ्री लेटर्स या थ्री लेटर्स दिए रहेंगे वो आपको डिफरेंट फॉर्म में दिए रहेंगे, उनके बीच एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट होगा जो कि डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ वो वर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी के नेम्स हो सकते हैं, तो नेम्स के अलावा जो चीज़ उसमें आपको सीरीज़ में दिख रही है वो आपका आंसर होगा। किस प्लेसेस हो सकती हैं, तो प्लेसेस के अलावा जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। प्रोफेशन हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, तो प्रोफेशन के अलावा जो चीज़ है वो अगर आपको उस पैटर्न में दिखती है तो वो क्या होगा, आपका ऑड वन होगा और उसका आपको फाइंड आउट करना है। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है इसमें आपको फाइंड आउट करना है ऑड वन इन इस सीरीज में से। तो मरकरी, मून, जुपिटर, सैटर्न, अब इन सबको आप देखोगे तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न है और इसमें से कौन सा आउट मतलब इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें जो हमारा मून है ये प्लैनेट है और बाकी सब मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न ये हमारी क्या है, सैटेलाइट है। तो ये तीनों सैटेलाइट ही ये प्लैनेट है, तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, मून हो गया, क्योंकि इसमें हमें ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो ऑड वन होता है उसे फाइंड आउट करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में जो भी आपका पैटर्न रहेगा वो नंबर्स के फॉर्म में रहेगा। जो आपको जैसे पैटर्न दिया आपको फाइंड आउट द नंबर दिया रहेगा, वो ऑड नंबर्स हो सकते हैं, वो इवन नंबर हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, रैशनल्स हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, बाइनरी कोडेड हो सकते हैं, 0 1 बाइनरी कोड का फॉर्म हो सकता है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि अलग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑड की सीरीज है और उसमें आपको एक इवन नंबर मिल गया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम सीरीज है और उसमें आपको ऑड का अगर कोई नंबर मिल गया तो वो आपका वन ऑन ऑड फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें हमें फाइंड आउट करना है वन ऑड अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे जो ऑड बोला जाता है ये उस पर्टिकुलर सीरीज में से ऑड को फाइंड आउट करना रहता है, ये ऑड नंबर वाला फाइंड वो नहीं है। यहाँ पे जो ऑड है मतलब जो अलग है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो 17, 27, 37, 47 हमारी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो 17, 37 एंड 47 हमारे प्राइम नंबर है, लेकिन जो 27 है वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशन, दैट क्लासिफिकेशन, हमने जो ऑड वन है वो फाइंड आउट किया, वो क्या है, 27। अब इसी तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं ये सारे क्वेश्चंस को और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है ऑड ZW TQ SP NL, इनमें से कौन सा जो है लेटर है वो ऑड है उसे फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट में SOR SOL SO TLU NOR GAE MEJ NIAS, इनमें से कौन सा ऑड वन है उसे फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑड को फाइंड आउट करना है इसमें से। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यस देन क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।